लगाने की। मैं तो बस आपको रंग लगा रही थी। अपने गंदे हाथ मेरे मुंह पे लगाए भी कैसे तुमने? क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तुमने अपने बदबू वाले हाथ मेरे मुंह पे लगा के मेरा सारा फेस खराब कर दिया। आरती बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, आप दूर से खड़े होके इनको देखना। आपने शनाया को रंग क्यों लगाया? अब मेरे सर पे खड़े होके रो मत, जाओ यहाँ से। कोई बात की सफाई मत दो। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था वो अमीर बच्चे तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बार बार समझाया, करा ली अपनी बेइज्जती, हो गई तसल्ली। अब चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे काम करने दो। Later that same evening. गरीब गरीब गरीब, मैं तंग आ चुकी हूँ इस शब्द से। आरती, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। सारा दिन पाई पाई जोड़कर मैं पेट भरती हूँ और तुम तंग आ गई हो? तंग तो मुझे आना चाहिए। सारा दिन घिस घिस के काम करो और फिर बाद में इन अमीरों की बातें सुनो। तो मत करो काम, कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठो, अपने घर पे मजे करो। अच्छा, तो फिर ये घर कैसे चलेगा? तुम्हें चोरी कर लूंगी। है? क्या कर लूंगी? क्या कहा तुमने? चोरी कर। बेवकूफ, क्या बोला? चोरी करूंगी 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 करूंगी। उफ, उफ, हे भगवान, क्या करूं? कैसे समझाऊं? तो ना आपको बेइज्जती सहनी पड़ेगी ना मुझे। हम आराम से जिएंगे। नहीं मेरा बेटा, नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। रोते नहीं है। माँ, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है और जहाँ आप काम करते हो वहाँ मेरे साथ कोई खेलता नहीं है। खेलना दूर, मेरी तरफ तो कोई देखना ही नहीं चाहता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। ऐसे मन छोटा नहीं करते। जो भी हालात हो बहुत खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, कितनी समझदार बेटी है मेरी। चलो तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। The next morning. अरे वाह, आज मेरी बेटी अपने आप इतनी जल्दी उठ गई। वाह भाई वाह। माँ, मैं वो एक बात बोलूँ? हाँ बोलो ना बेटा। मम्मा, मुझे ना एक अच्छी सी पिचकारी चाहिए, न्यू वाली। अच्छा ठीक है, हम कल मंगल बाजार जाएंगे ना, वहाँ से ले लेंगे। वो 10 रुपए वाली अपने पास रखो, मुझे तो वो महंगी वाली चाहिए जो शनाया दीदी के पास थी। बेटा वो तो बहुत महंगी है और इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं पिचकारी ले दूँ तुझे उसकी। मेरे को तो वही चाहिए, वरना मेरे साथ तो कोई होली नहीं खेलेगा। पर बेटा पर कुछ नहीं, मुझे वही वाली महंगी पिचकारी चाहिए जो शनाया दीदी के पास थी। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, अभी जल्दी तैयार हो जाओ, काम पे जाना है। माँ तो सोचती रहेगी, मुझे अब पता है, हमेशा की तरह मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Later. शनाया सियान,
बच्चों। हाँ जी पापा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हूँ? नई पिचकारियाँ और होली के कलर। रमनीक, इन बच्चों के पास ऑलरेडी इतनी सारी पिचकारियाँ और इतने सारे रंग हैं। अरे बाबा, थोड़ी सी और हो जाएंगी, की फर्क पड़ रहा है, होली आ रही है भाई। ये थैंक यू पापा। ये लो, जाओ अपना एंजॉय करो। बेटा, पापा आपके लिए अभी ये वाली पिचकारी लाए हैं ना, तो आप ये रखो, तो मैं ये दूसरी वाली पिचकारी आरती को दे दूं? नहीं नहीं मम्मा, ये पिचकारी पुरानी है पर बहुत अच्छी चलती है। आप ना ऐसा करो, आरती को ये वाली पिचकारी दे दो, ये थोड़ी सी लूज भी है और पुरानी भी हो गई है, पर ये चल तो जाएगी ना बेटा। हाँ जी मम्मा, आराम से चल जाएगी। चलो ठीक है, मैं आरती को ये दे देती हूँ। आरती बेटा, ये लो तुम्हारे लिए पिचकारी। ये तो इतनी पुरानी पिचकारी है, पिचकारी काम तक नहीं कर रही, इतनी लूज भी हो गया ये। बिल्कुल बेकार ही है ये वाली पिचकारी। गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आवर फैमिली फोटोशूट वीडियो हो चुका है लाइव हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस, बहुत ऑसम पिक्चर्स आई हैं, हमें शूट करने में बहुत मजा आया। वीडियो देखने के लिए क्लिक हियर, क्लिक क्लिक क्लिक, फोटोशूट फोटोशूट ब्यूटी, क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक क्लिक क्लिक।